आज से ठीक 3 साल पहले हमने सबसे पावरफुल क्वीन डेनेरिस टारगेरियन को देखा था। तो दोस्तों अब टाइम आ चुका है कि हम उसकी पर दादी रिनेरिया टारगेरियन को भी देखें। वेल हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं फिक्शन फोकस। तो दोस्तों हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज आ चुकी है। यह इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। इसमें टोटल 10 एपिसोड होने वाले हैं, जिसका एपिसोड 1 रिलीज हो चुका है और आज हम इस वीडियो में एपिसोड 1 के ऊपर बात करेंगे। तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में स्पॉइलर जहाँ भी होंगे मैं आपको वार्न कर दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले मेरी बनेगी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं न्यू ऑडियंस को बता दूं कि यह किस बारे में है। तो दोस्तों हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल है, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स से 200 साल पहले के इवेंट्स को दिखाएगा। टारगेरियंस ने वेस्टरोस में रूल किया था। द मेड किंग एरिस टारगेरियन की डॉटर डेनेरिस टारगेरियन के एग्जिस्टेंस से 172 साल पहले की कहानी है। तो दोस्तों एपिसोड में आपको कैरेक्टर्स और उनके रिलेशन को समझने में आसानी हो, इसलिए मैं ब्रीफ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। विसेरिस जो कि आयरन थ्रोन के किंग है और पहले टारगेरियन भी, डेमोन टारगेरियन जो कि विसेरिस टारगेरियन का छोटा भाई है, प्रिंसेस रिनेरिया टारगेरियन जो कि किंग वेरिस की बेटी है, ओटो हाई टावर जो कि एडवाइजर हो, प्रिंसेस एलिसेंट जो कि ओटो हाई टावर की डॉटर है। तो चलिए बात करते हैं अब इसकी बेसिक स्टोरी प्लॉट की। चिंता मत कीजिए दोस्तों, स्पॉइलर्स नहीं होंगे, जहां भी स्पॉइलर्स होंगे मैं आपको अलर्ट कर दूंगा। तो दोस्तों गेम ऑफ थ्रोन्स ओवरऑल मेंस के ऊपर था कि मेंस ने ही रूल किया है, वॉर्स लड़ी है, वहीं हाउस ऑफ द ड्रैगन वुमेन्स के ऊपर थोड़ा फोकस होगा। किंग वेसेरिस जिसका कोई बेटा नहीं है, उसकी एक बेटी है रिनेरिया टारगेरियन और एक छोटा भाई है डेमोन टारगेरियन। किंग वेरिस जो कि बूढ़ा हो चुका है, उसका कोई बेटा नहीं है। वहीं क्वीन प्रेग्नेंट है, जो कि एक बच्चे को जन्म देने वाली है। वेरिस होप करता है कि उसे लड़का ही हो। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक के लिए वेस्टरोस का फ्यूचर डेमोन टारगेरियन के हाथ में होता है, जो कि बहुत ही एरोगेंट वॉयलेंट और इम्पल्सिव है, जो कि आयरन थ्रोन का उत्तराधिकारी तो है लेकिन उसके काबिल नहीं। एपिसोड 1 इसी के ऊपर बेस्ड होता है कि आयरन थ्रोन का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। वेल अब मैं एक स्पॉइलर के बारे में बात करूं, तो किंग वेरिस प्रिंसेस रिनेरिया टारगेरियन को आयरन थ्रोन के लिए चूज करता है। वे एक ऐसी स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं जो कि उस टाइम के हिसाब से परफेक्ट लगे। इस एपिसोड में रिनेरिया को इस हद तक हाईलाइट करने की कोशिश करी गई है कि वह दिखने में काफी ब्रूटल है, लेकिन उसका मेन मकसद ऑडियंस को हार्ड हिट करना है। जब दुनिया रिनेरिया के सामने घुटने टेकती है, आई एम सॉरी यह मैं स्पॉइलर की बात नहीं कर रहा हूँ, यह सब तो ट्रेलर में ही दिखाया गया है। फर्स्ट एपिसोड में काफी कुछ पेक किया गया है। सेकेंड एपिसोड में हमें रिनेरिया वेस्टरोस को रूल करती हुई दिखाई जाएगी। बात करें इसके पॉजिटिव की, तो सिनेमेटोग्राफी, डायलॉग, CGI, कॉस्ट्यूम, कैरेक्टर्स की एक्टिंग काफ़ी बढ़िया आएगी। अब बात करें ड्रैगन्स के CGI VFX की, तो वह सीरीज के थीम के हिसाब से रियलिस्टिक लगता है। बात करें उसके नेगेटिव की, तो दोस्तों इस सीरीज में नेगेटिव बोलने जैसा कुछ है नहीं, फिर भी मैं वो बताना चाहूँगा अगर ऑडियंस को कुछ, तो जो न्यू ऑडियंस है इस सीरीज को देखना चाहेगी उन्हें यह एक पूरे सीजन में तो स्टोरी कुछ समझ नहीं आने वाली। तो दोस्तों बात करूँ इसके नेगेटिव की, इसमें नेगेटिव बोलने जैसा कुछ है नहीं दोस्तों, पर अगर मैं फिर भी बोलना चाहूँ तो जो न्यू ऑडियंस इस सीरीज को देखने वाली है उन्हें यह सीरीज पूरे सीजन में समझ नहीं आएगी। वहीं इसकी प्रीक्वल की बात करूँ इसके प्रीक्वल गेम ऑफ थ्रोन्स की, तो उसमें भी हमें कितने हाउसेस है यह समझने में हमें लगभग 3 सीजन लग गए थे। बोल्टन, बराथियन, टारगेरियन, दोथराकी, कितने हाउसेस है यह सब समझने में 3 सीजन लग गए थे। तो न्यू ऑडियंस को तो यह सीरीज समझ नहीं आने वाली है। बाकी यह सीरीज आपको बोर तो बिल्कुल नहीं करती है, आप इसे इंजॉय जरूर करेंगे। फैमिली के साथ यह सीरीज नहीं देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस सीरीज को देखने के लिए आपको गेम ऑफ थ्रोन्स के पूरे 8 सीजन देखने होंगे। अभी गेम ऑफ थ्रोन्स के 8 सीजन देखे बिना आप इस सीरीज को नहीं देख सकते हैं। इसमें पुराने हाउसेस को लेकर कॉलबैक किया गया है। इस सीरीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको गेम ऑफ थ्रोन्स देखना होगा दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और यह सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।